कब आएगा एनडीए रिजल्ट, ये जो क्वेश्चन है वो दिमाग में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। और इतना लेट हो गया रिजल्ट, क्योंकि जो एनडीए का रिजल्ट है वो अब तक आ जाने चाहिए, पता नहीं इस बार क्यों लेट हो रहा है। उसके बारे में यहाँ जो है मैं आपको बताऊंगा, और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कट ऑफ के ऊपर, फिर भी काफी स्टूडेंट्स का जो है वो डाउट रह गया है, तो मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उससे मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है मैं और बना दूं। ओके फ्रेंड्स, तो रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में ये हम बात करेंगे, और कट ऑफ क्या रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट अगर मैं बात करूं एनडीए सेकंड की 2016 की, तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आया था, 11 नवंबर को आया था। अगर मैं बात करूं एनडीए टू 2017 की, तो उसका रिजल्ट 1 नवंबर को आया था। मतलब ये कि नवंबर के मंथ में रिजल्ट जो है वो आ जाता है, या तो फर्स्ट वीक के अंदर या सेकंड वीक के अंदर। लेकिन इस बार जो रिजल्ट है वो काफी लेट हो गया है, दिसंबर आने को है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों। और जहां तक मुझे पता है वेबसाइट्स पर वैसे दिसंबर बता रहे हैं, तो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जहां तक मुझे लगता है फर्स्ट वीक के अंदर, दिसंबर के अंदर जो है रिजल्ट इस बार आएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। पहले नवंबर के फर्स्ट वीक में आता था, इस बार क्या है रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है, जहां मुझे लगता है, क्योंकि इतना लेट कभी रिजल्ट होता नहीं, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो उसके जो टेंशन है आप ये मत लें कि रिजल्ट पता नहीं लेट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। यूपीएससी की जो मेन वेबसाइट है उस पे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ कि रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो आप जो है आगे की तैयारी रखें, आपने आंसर की जो है अभी तक मैच कर ली है, आपको आंसर की जो है यूट्यूब्स पे काफी जारी जो है वीडियोस मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी, और हमारे चैनल पे भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आंसर की मैच कर सकते हैं, और आपको पता भी चल गया होगा कि आपने कितने नंबर्स बनते हैं कितने नहीं। तो उसके हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एसएससी के लिए एलिजिबल है या नहीं। आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके हिसाब से आप चेक कर लेना, और आप एसएससी की तैयारी करें, रिजल्ट की टेंशन ना लें, आगे की तैयारी करें, और रिजल्ट जो है वो आने वाला है जल्द ही। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं बात करूं एक्सेप्टेड कट ऑफ की, तो पिछले साल की अगर मैं कट ऑफ करूं, अगर मतलब बात करूं 2015 16 17 की, तो एनडीए का फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था, तो एनडीए फर्स्ट के अंदर जो रिजल्ट रिटर्न एग्जाम हुआ था, मतलब पेपर फर्स्ट हुआ था, उसकी जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, 306 नंबर। और फाइनल जो एग्जाम हुआ था, फाइनल जो उसका रिजल्ट, उसकी जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, 674 नंबर। फाइनल रिजल्ट तो है वो यूपीएससी में जब है लास्ट के अंदर आता है, पहले नहीं आता, सब कुछ होने के बाद ही जो है फाइनल रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट के अंदर जो है उसकी कट ऑफ इतनी रही थी, सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड की कट ऑफ जो है वो इतनी रही थी, और फाइनल की कट ऑफ इतनी रही थी। नेक्स्ट अगर मैं 2016 की बात करूं फर्स्ट पेपर की, तो जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी, 288, मतलब 288 नंबर कट ऑफ जो है वो रही थी, और फाइनल एग्जाम की कट ऑफ ये थी। नेक्स्ट अगर एनडीए सेकंड की बात करूं, तो यहाँ कट ऑफ कितनी रही थी, इतनी रही थी। और 2017 के अंदर भी अपने यहाँ जो है मैंने कट ऑफ बताई हुई है, और सेकंड एग्जाम के अंदर भी कट ऑफ देखो क्या है, इतनी है। तो यहाँ देखें कि कट ऑफ जो है वो फर्स्ट एग्जाम की पहले क्या था, 306, फिर ये हो गया, फिर कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो काफी स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा है कि सर जो कट ऑफ है वो कभी लो कभी हाई क्यों जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है। और यहाँ फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं, तो कभी कभी ये भी बहुत ज्यादा आ जाती है, जैसे जैसे एनडीए फर्स्ट 2017 की बात करें, तो देखो 708 नंबर जो है वो इसकी कट ऑफ गई थी, और यहाँ 2017 सेकंड की बात करूं, तो 624 नंबर जो है इसकी कट ऑफ गई थी। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों हो जाती है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। पहले कभी देखो हाईएस्ट, देखो 2017 के अंदर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ कितनी रही थी, 342 नंबर कट ऑफ गई थी, काफी ज्यादा जो है ये कट ऑफ थी। और सैक की कट ऑफ जो है वो कम रही थी, 200 जो है 2589 8 इतने नंबर गई थी, 258 नंबर जो है इसकी कट ऑफ गई थी। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो है कट ऑफ ज्यादा और कम क्यों होती है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ एनडीए टू 2017 की, तो उसके अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 390 वैकेंसीज थी, और एनए के लिए वैकेंसी कितनी थी, मतलब नेवल एकेडमी के लिए वैकेंसी कितनी थी, 55। और उसके बाद में अगर एनडीए के अंदर कितनी थी वैकेंसी,
335 मतलब 335 वैकेंसी थी एनडीए के लिए। उसी में अगर आगे मैं बात करता हूँ एनडीए 2018 के अंदर, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ था उसके, तो टोटल वैकेंसी इतनी थी, इतनी मतलब 383, पहले कितनी थी 390, अब कितनी है 383, मतलब 7 कम ही वैकेंसी है। ठीक है, एनए के लिए 44 है, एनडीए के लिए कितना है, इतनी वैकेंसी है 339 वैकेंसी है, 339 वैकेंसी है, और पिछले साल कितनी थी 335 वैकेंसी थी। ठीक है, मतलब ये कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो ऑलमोस्ट क्या रही है, सेम रह रही है, मतलब वैकेंसी जो है वो सेम है, लेकिन आपको इतना पता है कि एनडीए 2017 से लेके एनडीए 2018 मतलब एक साल वैकेंसी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो सेम नहीं है। हर साल काफी ज्यादा कैंडिडेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब काफी कैंडिडेट जो है इंक्रीज होंगे, इसका मतलब काफी सारे स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो भी क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो कट ऑफ है, वैकेंसी उतनी है, सीटें उतनी है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर मैं इस बार की कट ऑफ की बात करूं, तो इस बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो जहां तक मुझे लगता है इस बार के जो कट ऑफ है वो 260 और 300 के बीच की जो है रहने वाली है। अगर लास्ट जो है कट ऑफ के हिसाब से अगर देखें, तो यहां देखो पीछे मैं आपको बार से बता देता हूं, देखो सेकंड में यहां क्या था 269, मतलब 2015 में सेकंड एग्जाम का 269 और 2016 में सेकंड एग्जाम 239 था, और अगर 2017 की मैं बात करूं तो सेकंड एग्जाम की कितनी कट ऑफ रही है, इतनी, मतलब ये कि लगभग 200 मतलब 250 प्लस जो है कट ऑफ रहती है, 300 से कम रहती है, 300 से कम। तो अगर मैं इस बार की बात करूं, तो यहां जो है इस बार की जो कट ऑफ है वो भी 260 और 300 के बीच में रहने वाली है। तो जिसके भी 260 और 300 के बीच में नंबर बन रहे हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, और जहां तक मुझे लगता है आप एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर देना। ओके, और एसएसबी का प्रोसीजर क्या है उसका भी वीडियो मैंने आपको यहां जो है पूरी डिटेल के साथ बनाई हुई है, कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, कौन से डे क्या क्या होता है, और कौन कौन से जो है उसके अंदर सिस्टम रहता है, कौन कौन सा प्रोसीजर रहता है, कौन कौन सी स्टेज रहती है, वो पूरा एकदम फुली डिटेल में मैंने बताया हुआ है। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां जो है वो आपको डरने की कोई बात नहीं है, 260 और 2-300 के बीच में अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं तो चांस है कि आपका हो जाए, इतनी ही कट ऑफ रहेगी, इन दोनों के बीच में कोई भी कट ऑफ रह सकती है। तो आप एसएसबी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इससे कम अगर आपके जो है नंबर बन रहे हैं 240 के लगभग, तो बाई चांस अगर, वो तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ही रहने वाली है। तो अगर आप नए फ्रेशर हैं, आपने जो है एनडीए की तैयारी करनी है, तो उसकी जो है मैथमेटिक्स की वीडियो जो है हमारे यहाँ चल रही है, बिल्कुल फ्री है कोर्स जो है हमारे यहाँ जो है बिल्कुल फ्री है, आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, डेली की वीडियो जो है मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। और साथ के साथ अगर आप गैट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जो है आपको जियोग्राफी से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड जो है वीडियो मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि एनडीए से रिलेटेड अगर कोई भी जो है हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।